अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक फासिस्ट आइडियोलॉजी का प्रतीक है। पहचाना आपने दिग्विजय सिंह कांग्रेस महासचिव, जब ये बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं, फिर इन्हें क्या फिक्र ये क्या बोलते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखें, कांग्रेस की बांसुरी बजा रहे दिग्विजय के सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, जो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कुछ यूं कर दिया। कितनी अजीब बात है, जनार्दन द्विवेदी को एक शख्स ने जूता दिखाया था और दिग्गी ने इसे लात ही जड़ दिया। दिग्विजय सिंह बगल के कमरे में बैठे हुए रहते हैं और जब ये शोर सुनते हैं तो वो इस कमरे में आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब इन लोगों को भीड़ को देखकर दिग्विजय सिंह सबसे पहले जो शख्स पीट रहा है उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर दूसरे कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर कुछ यूं उसको मारने लगते हैं जो नीचे शख्स लेटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई स्कूटर नहीं है जो दिग्विजय सिंह स्कूटर में किक मार रहे हो, जो नीचे पड़ा हुआ शख्स है उस पर धनादन धनादन दिग्विजय सिंह पैर से हमला कर रहे हैं। जो मसीहा होने का भ्रम ना पैदा करे, अब लेंस लेकर दिग्विजय सिंह में रहनुमा की छवि देखते रहे। दिग्विजय सिंह अपने आप को शाहरुख खान, करीना कपूर और ऐश्वर्या राय समझते हैं, तभी तो इनको गुमान है जनता उनके नाम पर कुछ भी सुन लेगी, कुछ भी देख लेगी, कुछ भी पढ़ लेगी। जरा बाबा पर इनका गुस्सा देखिए। राजनीति करना है तो फिर मैदान में आए, राजनीति करना है तो फिर मैदान में आए। कमाल का बयान देते हैं दिग्विजय सिंह और इस पर मुस्कुराते भी हैं। ऐसा बयान देते हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर क्या हुए, इनके आभा मंडल पर कालिमा छा गई। विपक्षी पार्टियों के लिए तमाम तरह के विशेषणों का इस्तेमाल करते घूम रहे हैं। क्या इस तस्वीर को देखने के बाद दिग्विजय सिंह इस मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z।